फिर आपको राज्यसभा की दिखा रहे हैं, जहां पर वोटिंग जो है वो फिलहाल अब खत्म हो गई है। संसद में लोकसभा से कल पहले ही महिला आरक्षण बिल जो है वो पास हो गया है और अब राज्यसभा में भी महिला आरक्षण बिल पर मोहर लगी। राज्यसभा से भी महिला आरक्षण बिल जो है वो पास हो गया है, ये बड़ी खबर। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये कुछ देर पहले की तस्वीरें जो हैं, ध्वनि मत से पहले ही पास हो चुका है। आपको बता दें राज्यसभा से ये बिल और साथ ही लोकसभा से कल दो तिहाई आंकड़े के साथ ये बिल पास हो चुका है। 454 वोट जो है वो इस बिल के पक्ष में पड़े, जिसे नारी शक्ति वंदन बिल कहा जा रहा है। ये बिल लोकसभा से कल पास हो चुका है और आज दिन भर राज्यसभा में आपको बता दें कि चर्चा हुई इस बिल को लेकर। मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से ये भी कहा गया, काल करे सो आज, यानी कि जल्द ही इस बिल को लागू क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि 2029 तक ये बिल जो है वो लागू होगा और उस वक्त संसद में जो है वो 33% जो नंबर है वो महिलाओं के होंगे, यानी कि 181 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी उस वक्त, क्योंकि पहले परिसीमन होगा, जातिगत जनगणना होगी और उसके बाद राजनीति और फिर जाकर ये बिल यानी कि 2029 तक ये बिल लागू होगा। विपक्ष कह रहा है कि इसको जल्द से जल्द लागू भी किया जाए। तो आपको बता दें वोटिंग जो है वो फिलहाल खत्म हो गई है, अब देखना ही होगा कि राज्यसभा में सहमति में कितने वोट पड़े हैं और क्या इस बिल के अगेंस्ट पे भी क्या कोई वोट पड़ा है, ये भी आपको बताएंगे। कल आपको याद होगा 454 जो हैं वो बिल के पक्ष में वोट पड़े थे और दो वोट जो हैं वो विरोध में पड़े थे। उस सीट नंबर से देख लीजिएगा, टैली कर लीजिएगा, इतनी ज्यादा नहीं। और आपको बता दें कि तो वोटिंग अभी जारी है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जहां पर ये कहा जा सकता है कि पर्चियां जो हैं, हालांकि आपको बता दें कि यहाँ पर राज्यसभा की बात करें, हालांकि कल तो पर्ची के जरिए जो है वोट किया गया था, लेकिन यहाँ की बात करें तो सभी सदस्यों की सीट पर मल्टीमीडिया डिवाइस लगी है, इसके जरिए सभी जो राज्यसभा सांसद हैं वो अपने वोट को दर्ज करा रहे हैं। पहले राउंड में पक्ष में 171 वोट पड़े हैं, आपको बता दें कि 171 वोट पहले राउंड में पड़े हैं और अभी भी वोटिंग जारी है। राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल को लेकर वोटिंग जारी है, लोकसभा से पहले ही ये बिल जो है वो पास हो चुका है और आपको बता दें कि राज्यसभा से भी अगर ये बिल पास हो जाता है तो कल राष्ट्रपति की सहमति के बाद, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद ये बिल जो है वो कानून बन जाएगा। लेकिन अपने आप में ये बहुत बड़ी उपलब्धि बीजेपी के लिए, नई संसद के लिए, क्योंकि पहला बिल नारी शक्ति वंदन बिल जो है वो केंद्र सरकार लेकर आई, बिल को पेश किया गया, कल लोकसभा में दिनभर चर्चा हुई और देर शाम को वोटिंग हुई। 454 वोट जो हैं वो नारी शक्ति वंदन बिल के फेवर में पड़े और दो वोट जो हैं वो अगेंस्ट में पड़े और राज्यसभा में आज दिनभर चर्चा की गई। हालांकि अलग अलग विपक्षी पार्टियां जो है वो एससी एसटी और ओबीसी कोटे की मांग जो है वो इस बिल में करती रही, लेकिन ये कहा जा सकता है, कल भी हमने देखा विरोध के सुर तो नजर आए लेकिन वोट जो हैं वो फेवर में ही पड़ते हुए इस बिल के नजर आए। और स्वागत किस तरह से इस बिल का हो रहा है और एक सार्थक बहस भी कल भी हमने देखी, आज भी हमने देखी, शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर वोटिंग जो है वो सांसद करते हुए नजर आ रहे हैं और कल भी हमने देखा था कि किस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत कम ऐसा होता है जब किस तरह से हंगामा ना हो किसी भी बिल को लेकर, सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है वो एक साथ नजर आए। लेकिन इस महिला शक्ति वंदन बिल को लेकर, नारी शक्ति वंदन बिल को लेकर, चाहे बात सत्ता पक्ष की हो विपक्ष की हो, ये कहा जा सकता है कि वोट एक साथ फेवर में जाते हुए लोकसभा में नजर आए। लेकिन राज्यसभा में अगर अभी ध्वनि मत की बात करें तो ध्वनि मत को लेकर तमाम जो सांसद, जब ये पूछा गया स्पीकर की तरफ से कि फेवर में कितने लोग हैं, तो लगभग सभी की तरफ से हाथ ही ना, में कोई भी सांसद जो है वो नहीं बोला। लेकिन पहले राउंड में अगर हम बात करें तो 171 वोट जो है वो पक्ष में पड़े हैं।
आपको बता दें कि सभी सदस्यों की सीट पर मल्टीमीडिया डिवाइस लगी है। कल पर्ची के जरिए जो है वो वोटिंग हुई थी और आज जो है वो मल्टीमीडिया डिवाइस के जरिए वोटिंग यहां पर की जा रही है। पहला राउंड कंप्लीट हो गया है जो जानकारी मिल रही है, लेकिन महिलाओं के लिए ये ऐतिहासिक पल है। महिला सशक्तिकरण जिसका जिक्र लगातार होता आया है, उस दिशा में सरकार पॉजिटिव वे में आगे बढ़ रही है और ऐतिहासिक कदम के रूप में यह देखा जा रहा है। भले 2029 में यह इंप्लीमेंट होता हुआ नजर आएगा, लेकिन उससे पहले महिलाओं के लिए, सशक्तिकरण के लिए, और तमाम जब महिलाएं ये सोचती हैं कि उन्हें डॉक्टरेट में आगे बढ़ना है, उन्हें साइंटिस्ट बनना है या उन्हें आईटी के सेक्टर में जाना है, लेकिन अब एक बड़ा रास्ता है पॉलिटिक्स बनने के लिए, यानी पॉलिटिशियन बनने के लिए भी महिलाएं सोच सकती हैं, पॉलिटिक्स में जा सकती हैं। राजनीति के भी दरवाजे इस बिल के पास होने के बाद कहीं ना कहीं उन तमाम महिलाओं के लिए खुल गए हैं जो अपनी बात रखना चाहती हैं, तमाम बनते हुए कानूनों में अपनी राय देना चाहती हैं, बेबाकी से किस तरह से हकीकत होनी चाहिए या क्या इंप्लीमेंट किया जा सकता है उस कानून में। इस बिल के जरिए वो तमाम रास्ते खुलेंगे विधानसभा क्षेत्र में और साथ ही लोकसभा यानी कि संसद, जिसे मेल डोमिनेटिंग आज तक कहा जाता रहा है। अब एक समय होगा जब वहां पर लगभग ये कहा जा सकता है कि एक तिहाई हिस्सा जो है वो महिला सांसद, यानी कि 181 सीटें होंगी जो महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। और बीजेपी इसको कह चुकी है कि ये हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं है, ये हमारे लिए पहचान का विषय है, पहचान। और वो ये कहा जा सकता है कि नेतृत्व जो है वो साधी आबादी को मिलना जरूरी है। हालांकि कांग्रेस को लेकर भी राहुल गांधी भी इस पर लगातार ये कहते रहे हैं कि बिल का हम स्वागत कर रहे हैं। सोनिया गांधी ने भी ये कहा, ये बिल तो हमारा है, राजीव गांधी ने ये सपना देखा था और उन्हीं की तरफ से आवाज जो है वो इस महिला आरक्षण बिल को लेकर उठाई गई थी। हालांकि उसके बाद इसका नाम बदला गया, नारी शक्ति वंदन बिल ये किया गया। नारी शक्ति का वंदन करने का ये समय जिसको बीजेपी लगातार कहती रही है। देखिए, खिलाफ एक भी वोट नहीं पड़ा और आपको बता दें कि फेवर में जो है वो 171 वोट पड़े हैं महिला आरक्षण बिल के साथ 171 सांसद। और अगर हम बात अगेंस्ट की करें, यानी कि खिलाफत की करें, तो कोई भी खिलाफत करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जीरो वोट है खिलाफत में। हालांकि कल लोकसभा में जरूर दो खिलाफत में वोट पड़े देखे गए और 454 यानी कि एक तिहाई आंकड़ा जो है, दो तिहाई आंकड़ा जो है वो लोकसभा से ये बिल जो है वो पास हो गया है। और आज लगभग राज्यसभा से भी ये कहा जा सकता है कि बिल जो है वो पास होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ध्वनिमत से पहले ही राज्यसभा में भी पास हो गया है। अभी आपको जानकारी जिस तरह से आपने कार्यवाही जो है वो राज्यसभा की देखी, लेकिन ये ऐतिहासिक पल है महिलाओं के लिए। कल भी हमने देखा तमाम महिलाएं जो है वो कैसे अब राजनीति में अपने लिए तमाम रास्ते खुलते हुए देख रही हैं और इस बिल का हर तरफ स्वागत किया जा रहा है। एक तरह से नई संसद भवन पहला सेशन, विशेष सत्र बुलाया गया जिसमें नारी शक्ति वंदन बिल जो है वो पेश किया गया, लोकसभा से कल पास हो गया। दिन भर बहस जो है, इस तरह का नज़ारा जो है वो संसद में बहुत कम देखने को मिलता है, चाहे आप लोकसभा की बात कर लीजिए, चाहे राज्यसभा की बात कर लीजिए, जब बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से सांसद जो है वो अपनी बात रखते हैं और ये कहते हैं कि भाई क्या इम्प्लीमेंट होना चाहिए, क्या चीज़ें इसमें होनी चाहिए, अपनी बात रखते हैं। और फिर तस्वीर विरोध बहस में तो कुछ दिखता है, हालांकि विरोध नहीं, स्वागत ही होता है, बस ये कहा जाता है कि कुछ चीज़ें जो हैं उस पर स्पष्टता होनी चाहिए सरकार की तरफ से, क्योंकि फिर एससी एसटी और ओबीसी कोटे की मांग यानी कि यहाँ पर विपक्ष की तरफ से की जा रही है। हालांकि फिर सवाल कांग्रेस पर भी खड़े हो जाते हैं कि जब 2010 में कांग्रेस इस बिल को लेकर आई थी तो राज्यसभा में ये बिल जो है वो पास नहीं हुआ था। वो समय भी आपको याद होगा जब समाजवादी के पार्टी के सांसद उठकर आए और उनकी तरफ से कैसे माइक को उखाड़ने की कोशिश की गई। आरजेडी के कुछ सांसद आए जिन्होंने, एक सांसद तो ऐसे थे जिन्होंने पर्ची तक फाड़ दी। लेकिन आप देखिए कैसे समय जो है वो बदला है, कैसे समय का पहिया घूमा है। कल भी हमने देखा शांतिपूर्ण तरीके से
लोकसभा से बिल पास हो गया और आज इसी राज्यसभा से पहले राउंड में 171 वोट जो है वो पक्ष में पड़े हैं, एक भी वोट जो है वो विपक्ष में नहीं पड़ा है, यानी कि कोई भी इस बिल के खिलाफ जो है वो नजर नहीं आए, खिलाफत में एक भी वोट नहीं पड़ा है, 171 वोट जो है वो पक्ष में पड़े हैं पहले राउंड की अगर हम वोटिंग की बात करें। इससे ये कहा जा सकता है कि तस्वीर जो है वो लगभग साफ होती हुई नजर आ रही है, राज्यसभा से भी ये बिल जो है वो पास होता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद बिल जो है वो राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, उनकी सहमति के बाद अब इसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे और बिल बन जाएगा कानून। और इस कानून के साथ ही उन महिलाओं के लिए जिनके मन में तो ये रहता था कि वो राजनीति में आना चाहती थी लेकिन इस तरह का कोई रास्ता जो है वो नजर नहीं आता था, लेकिन जब 181 सीटें आरक्षित हो जाएंगी तो उन तमाम महिलाओं के सपने भी पूरे होंगे जो राजनीति में आना चाहती हैं, अपने समाज के लिए, अपने शहर के लिए तमाम विकास के काम करना चाहती हैं, अपनी बात रखना चाहती हैं देश के विकास के लिए, उन महिलाओं के लिए भी रास्ता जो है वो आसान हो जाएगा। तो महिला आरक्षण बिल ऐतिहासिक समय है देश के लिए, नई संसद के लिए। और आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया नारी शक्ति को विशेष सम्मान सिर्फ विधेयक से नहीं मिल रहा है, इस विधेयक के प्रति सभी राजनीतिक दलों की सकारात्मक सोच होना यह हमारे देश की नारी शक्ति को नई ऊर्जा देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बिल से देश के लोगों में एक नया विश्वास पैदा होगा, सभी सदस्यों और राजनीतिक दलों ने महिलाओं को सशक्त बनाने और नारी शक्ति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, आइए देश को एक मजबूत संदेश दें। इस बिल के पास होने के साथ साथ एक मजबूत संदेश ये कहा जा सकता है उन तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भी है जो इसका लगातार फेवर करते रहे। हालांकि सभी ने बिल का स्वागत किया लेकिन ये कहा कि कुछ चीजें जो है वो स्पष्ट होनी चाहिए। एंड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, अ हिस्टोरिक अचीवमेंट, कांग्रेचुलेशंस। Honorable members, it is only a coincidence. मन कंचन है, यह संयोग ऐसा है, हिंदू रीति विधि के अनुसार माननीय प्रधानमंत्री जी का आज जन्मदिन भी है। मैं उनको कोटि कोटि बधाई देता हूं। वी शैल नाउ टेक अप क्लोज बाय क्लोज कंसिडरेशन ऑफ द बिल। क्लोज टू स्टैंड्स पार्ट ऑफ द बिल, देर आर 9 अमेंडमेंट्स। वुड द ऑनरेबल मेंबर्स लाइक टू मूव देम? All right. तो ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं जहां पर राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पर मोहर लगी है, राज्यसभा से भी बिल जो है वो पास हो गया है, राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पास। श्री संतोष कुमार की, आर यू मूविंग द अमेंडमेंट? मूविंग। डॉक्टर जॉन बिटास? यस सर, आई एम मूविंग। नंबर 19, श्री बिनोय विश्वम, आर यू मूविंग और नॉट मूविंग? आई एम मूविंग। नंबर 48-52 बाई प्रोफेसर मनोज कुमार झा, मूविंग? ये मूव कर रहा हूं। नंबर 65 बाई प्रोफेसर राम गोपाल यादव, मूविंग सर, अमेंडमेंट्स मूव्ड। आई शैल फर्स्ट पुट द अमेंडमेंट मूव्ड बाई श्री संतोष कुमार पी टू वोट।
No, there is no listed amendment. Mr. Jairam Ramesh, I have to go by those amendments which have been legally admitted, and therefore to make an issue at such a solemn occasion not appropriate. Otherwise, we can continue making all kind of interventions. I shall first put the amendments moved by Sri Santosh Kumar P to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think noes have it. The noes have it. The noes have it. The amendment is negative. I shall now put the amendment moved by Dr. John Bittas to vote. और इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ दीपांशी हमारे साथ न्यूज़ रूम से लाइव जुड़ गई हैं. दीपांशी, कल लोकसभा से और आज राज्यसभा से सर्वसम्मति के साथ ये बिल पास हुआ है. बहुत बड़ी उपलब्धि और ऐतिहासिक दिन आज. आप कैसे देख रही हैं? हाँ, न्यूज रूम में बैठे हुए सिर्फ इस बिल के पास होने का ही इंतजार कर रहे थे. और सबसे बड़ी देखने वाली बात यह है कि आज एक भी विपक्ष में वोट नहीं डला है. 215 पूरे के पूरे वोट जो है वो पक्ष में गिरे हैं और सभी महिलाओं के लिए खुशी की लहर दौड़ चुकी है. तो मेरे साथ कुछ न्यूज रूम से लाइव जुड़ी हुई है कुछ महिलाएं, उनके व्यूज भी इस पर हम जानना चाहेंगे. देखिए, ये तो बहुत खुशी की बात है कि कल लोकसभा में पास हो गया ये बिल, आज राज्यसभा में ये बिल पास हो गया, कल राष्ट्रपति का इस पर साइन होगा और ये जो बिल है ये कानून बन जाएगा. ये खुद में ही एक ऐतिहासिक पल है. और सबसे ज़्यादा मज़ेदार एक लम्हा था जब मैं टीवी पे ये बिल पास हो रहा था, तब मैं देख रही थी. एक बहुत ही खूबसूरत सा लम्हा था कि जैसे ही बिल पास हुआ और जैसे ही स्पीकर साहब ने ये बिल अनाउंस किया, वैसे ही पीएम मोदी ने दोनों हाथ जोड़ के इस बिल का अभिनंदन किया, इस बिल का स्वागत किया. एक छोटी सी मुस्कुराहट थी उनके चेहरे पर जो बहुत कुछ कह रही थी कि महिलाओं के हित के लिए उन्होंने एक बहुत ही बेहद अच्छा काम किया है. इसके लिए वो बहुत खुश है क्योंकि उनके नेतृत्व में एक इतने बड़े बहुमत से ये वोट पड़ना, ये खुद में ही एक ऐतिहासिक पल है. जी बिल्कुल, मैं अपनी दूसरी सहकर्मी से भी उनके व्यूज इस बारे में जानना चाहूंगी. देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये देखिए आप, बिल जो है पूरे 27 सालों से लटका हुआ था, तो इतने लंबे समय के बाद ये बिल पास हुआ है. तो सबसे बड़ी खुशी की बात तो ऑब्वियसली महिलाओं के लिए है ही. और 33% जो फीसदी है, जो उसमें सीटें जो हैं आरक्षित कर दी जाएंगी, अब जो हमारी संख्या है वो 181 हो जाएगी. तो देश के लिए बहुत ही बड़ी एक तरह से कहा जाए कि, और सबसे देश से भी ज़्यादा मतलब, क्योंकि महिलाएं हमारे देखा जाता है कि आज भी भले हम कहते हैं कि भारत जो है आगे बढ़ गया, लेकिन उनकी चीज़ों को कहते हैं ना कि लोग, अगर महिला को समझना है तो एक महिला सहकर्मी होनी बहुत ज़रूरी है. तो सबसे बड़ी बात है कि आज महिलाओं के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है और ये पूरे देश के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि हमारा देश जो है तरक्की पर बढ़ रहा है. और एक और बात अनन्या जी, कि कल हम लोग काफ़ी सारी महिलाएं थी, हमारी संख्या कुछ ज़्यादा थी, बट अभी थोड़ा देर हो चुकी है तो महिलाएं यहाँ पे इस टाइम कम है, बट हम तीन महिलाएं भी कल की तरह वो जश्न आज फिर मनाएंगी क्योंकि आज राज्यसभा से बिल पास हुआ है. तो ये और बड़ी खुशखबरी की बात है. तो आयुषी जी, बिल्कुल दीपांशी, आवाज में उतनी ही दम है. महिलाओं की संख्या भले ही कम हो आज वहां पर, लेकिन आवाज और जश्न में उतनी ही दम है. आप रहिएगा हमारे साथ, आगे भी मैं आपके पास आऊंगी. एक छोटे से ब्रेक लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे.